सेंटर भी कॉन्वेंट स्कूल में अलंकरण समारोह का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया गया, जिसमें कक्षा 5 से 12वीं तक के बच्चों ने भाग लिया। पूरा स्कूल 4 सदनों में विभाजित है, इसमें अमेजोन, एवरेस्ट, नाइल और पैसिफिक शामिल है। चारों सदन के सभी छात्र पूर्ण रूप से आयोजित समारोह के भागीदार बने और सभी ने खूब मेहनत की। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती चारू जैन और प्रधानाचार्य श्री पंकज शर्मा ने चारों सदन से चुनिंदा छात्रों का साक्षात्कार लेकर उपयुक्त पद के लिए चुनाव किया। निदेशिका श्रीमती चारू जैन ने चयनित सभी छात्रों का चयन करते हुए शपथ दिलाई। आई प्रोमिस दैट आई विल रेस्पेक्ट एंड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल इन द ट्रू स्पिरिट फॉर द ग्लोरी एंड ऑनर ऑफ माय इंस्टीट्यूट। I also pledged that I will respect the teacher and management and try best to show discipline throughout my academic career. Thank you. मेरा नाम पंकज शर्मा है, प्रधानाचार्य सेंट आरवी कॉन्वेंट स्कूल। आज कार्यक्रम क्या हुआ? आज हमारे स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें हमने अपने स्कूल के चारों हाउस के न्यू कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स, प्रीफेक्ट्स और स्कूल के हेड बॉय, हेड गर्ल, डेपुटी हेड बॉय, डेपुटी हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन मेल एंड फीमेल, इन सब का चुनाव किया और उन सबको बैजेस देके उनकी ड्यूटी को उनको समझाया गया। बच्चों को यही समझाया गया कि इस सेरेमनी का हमें क्या बेनिफिट है, क्यों हम ये सब कराते हैं, ताकि जिससे बच्चों के अंदर एक लीडरशिप भावना आए और किसी भी प्रोग्राम को लीड करने की क्वालिटी उनके अंदर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का सोशली, मेंटली और फिजिकली एक चहुंमुखी विकास बच्चे का होना चाहिए। तो बच्चा जब रहेगा, ग्रुप में काम करेगा, तो वो सीखेगा भी, कई बार घर में भी या किसी और जगह कहीं इमरजेंसी में कोई स्टेप लेना हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो वो कैपेबिलिटी उसके अंदर बन जाए। इसी लिहाज से, इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए बच्चों को हम ये पोस्ट देते हैं।